लिए गए के नाम पे हाँ अकाउंट खुलवाए गए, जिसको और डॉक्यूमेंट वो थेफ्ट जिसको अकाउंट बोलते का हैं। मिसयूज उन लोगों ने किया अपने जी सर जी पर्पस के लिए, सर जी और अब खाता ब्लॉक हुआ है तो फिर कोई पुलिस का नोटिस आया है। अच्छा, जी सर, पुलिस का नोटिस आया है। ये है सबसे बड़ी बात ना। तो जी मतलब सर, कि एक्चुअली ये कैसे क्या हुआ था, मतलब असल जॉब में कौन पुलिस से में जॉब कॉल देने के करते नाम हैं पे? तो सर सर वो बोले कि ना बैंक में जॉब देंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है। सर एक बार हम पूछना चाहते हैं सर, पुलिस को कभी कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आपके डिस्प्यूटेड अमाउंट 7,000 है, कभी बोलता है 20,000 है, कभी बोलता है 15,000 है, जितना बार कॉल करते हैं वो अलग अलग वो अमाउंट अलग अलग बताता है। अमाउंट बोलता है तो अलग अलग बहुत सारी कंप्लेन होगी। अब नहीं जो नहीं एक एक साइबर सेल सर तो एक ही कंप्लेन हो सकता है ना। एक साइबर सेल से एक ही कंप्लेन हो सकता है ना, लेकिन अमाउंट अलग अलग होगा ना, डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब आपके खाते का तो स्टेटमेंट आपको पता है कितनी लेन देन की गई है एक दिन स्टेटमेंट में, पता है, स्टेटमेंट हम सर निकलवाए हैं बैंक से जाके। तो कितना लेन देन हुआ है एक दिन में? तो एक दिन ने मतलब सर मानिए सर, मेरा अकाउंट 2 दिन के अंदर फ्रीज हो गया है, मतलब एक दो तो ही दिन दो दिन यूज के किया अंदर कितना लेन देन हुआ है? वो, मतलब वो 1 लाख के करीब, वो भी छोटा छोटा अमाउंट है, 5,000 मतलब 10,000 के नीचे ही सब अमाउंट है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे ना, यानी एक हाँ दिन में बहुत कम सारे से कम, ट्रांजेक्शन है, एक 25 दिन में कम 30। से कम, मान लो कि जब तुम ही कह रहे हो 25, मैं भी वही कहने वाला था, हाँ तो हाँ मतलब उतने ट्रांजेक्शन है, तो कुल मिला के 2 दिन में 50 से ऊपर ट्रांजेक्शन है। अब उन जी 50 सर जी ट्रांजेक्शन में से हो सकता है कि 3-4 भी कंप्लेन होगी, 5-6 भी कंप्लेन होगी, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारा पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं से फ्रॉड से ठगा होगा और फिर वही नहीं पैसा सर, तो घुमा वो कर। कंप्लेन सर, कंप्लेन अगर हम वो बैंक से पता किए, बोले कि 5-6 कंप्लेन अगर आता है तो उसका अलग अलग एक्नॉलेजमेंट रहता, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर एक ही है सर। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर एक ही है तो फिर तो कंप्लेन भी डेफिनेटली एक ही इंसान के द्वारा किया गया होगा। जी तो सर आपने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया तो ऐसा है कि एक ही इंसान ने अलग अलग पैसे जमा किए हैं? जी सर जी सर, हाँ, तो फिर और कंप्लेन जिसने की है उसका नाम पता उसका नाम तो सर नहीं पता है सर। है? लेकिन अगर किस तारीख को हुए हैं कंप्लेन, तारीख, अमाउंट, कुछ तो बैंक के पास दो चीजें आती हैं कि इस कंप्लेन को लेके और इस अमाउंट को लेकर या इस ट्रांजेक्शन को लेकर कंप्लेन है, तो ट्रांजेक्शन होगा ना उसमें मेंशन? ट्रांजेक्शन है सर, ट्रांजेक्शन हम साइबर सेल कॉल किए तो बोला कि 7,000 का है। तो 7,000 जिसने भेजे हैं वो, उसका नाम चेक करो और फिर देखो कि उसने कितने कितने पैसे खाते में भेजे हैं। अगर वो तो, बिकॉज जब भी कंप्लेन होगा तो उसके सारे ट्रांजेक्शन को लेकर होगा, क्योंकि जी सर जी सर 7,000 जिसने भी आपके खाते में भेजा उसने और भी पैसे भेजे होंगे ना। जी सर, हाँ, सर तो बोल रहे फिर हैं इस अकाउंट को अगर ऐसे ही छोड़ दे तो कोई दिक्कत भी होगा आगे चल के क्या अभी कह रहे हो कि पुलिस का नोटिस आया, अभी कह रहे हो ऐसे ही छोड़ दे, सर? तो मतलब सर मेरे को वो ही सुबह सुबह बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो बोल रहे हैं सर वो बैंक में आए, मेरे पास 41A का कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। नहीं आया तो इंतजार करो, आएगा। और सर मतलब ये नोटिस सभी लोगों के आती है क्या सर? क्यों नहीं आएगा भैया अकाउंट? तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब छोड़ देंगे भगवान भरोसे? जब खाता फ्रीज हुआ है तो केस के बिना खाता फ्रीज नहीं होता है। बिल्कुल आए, 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, बिल्कुल पुलिस का नोटिस आएगा आपको, अच्छा जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप ऐसे ही मतलब खाते को क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन देखने के बाद ही कोई भी आपको अपराधी ही मानेगा। आप ये तो चीज़ें बाद में पता चलेंगी कि आपका खाता मिसयूज तरीके से किसी और ने खुलवाया और कोई और चला रहा था, जैसे सर, लेकिन तो ये इसका सब कोई उपाय है? उपाय है कि पुलिस को आपको अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि आपका इस अपराध में कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी सर, तो मान लीजिए अगर 41A का नोटिस आया तो हमको पहले एंटीसेपेट्री बेल करवाएं कि फिर ऐसे ही जाना सब अकेले या वकील के साथ? नहीं, आप उस नोटिस आने से पहले ही पुलिस को जानकारी दे दे तो बेटर है। पुलिस का मेल आईडी आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जी सर जी सर तो उसको आप कांटेक्ट करें, पुलिस के मेल आईडी पे आप सारी चीज़ें अपनी लिख कर भेजें। वो तो सर हम लिख के भेज दिए हैं सर, वो कापी टिपिट करवा के पूरा जेरोक्स करवा के। ठीक है, भेज दिया तो फिर क्यों परेशान है? बहुत से लोग हैं जिनको कि पुलिस के द्वारा सीआरपीसी 41A 91 102 के तहत बैंक को या आपको व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना, आपसे जानकारी लेना कि आपके खाते में ये फ्रॉड पैसे आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं, आप क्या काम करते हैं, आप आकर थाने में अपना पक्ष रखें। सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब आप किसी और राज्य में हैं और किसी और राज्य की पुलिस के द्वारा आपको बुलाया जाता है। वहाँ आने जाने का खर्चे खुद एक बड़ी चीज़ हो जाती है, कई लोगों के लिए 5, 10, 15 हज़ार रुपये। और वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, पुलिस अरेस्ट कर देगी, क्या पूछेगी,
कहीं हमें गिरफ्तार तो ना कर ले, कहीं हमें बेल लेने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं हमारा कोई और बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। तो अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, नोटिस आया है, अकाउंट फ्रीज हो रखा है, क्या करें ना करें, कैसे खुलवाएं, सारी समस्याओं का समाधान आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके और आप अपने लाइफ को लव, पीस एंड हैप्पीनेस के साथ जी सके। और इस अकाउंट को अनफ्रीज करवाने का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या कोर्ट से क्या चीज़ें चाहिए, पुलिस से कैसे बात करें, क्या मेल करें नहीं करें, सारा कुछ आपको